हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं टीजीटी का हल प्रश्न पत्र, जो आज आपका पेपर हुआ था। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं मेरे पढ़ाए हुए मेरे नोट्स से, तो इस बात की थोड़ी खुशी है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। जो प्लेगरा की कमी है, तो प्लेगरा की कमी है नाइसिल, ठीक है, आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया भी है, नोट्स में भी दिया है। फिर नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन बनने के लिए आवश्यकता है किसकी, लोहे की, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने अपने नोट्स में भी दिए हैं और यूट्यूब पे भी वीडियो में पढ़ाया है। फिर नेक्स्ट है, घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है तो डेक्सट्रोज, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन तो हूबहू आ गया है और ये मैंने क्वेश्चन पढ़ाया भी है, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी शुरुआत से लेकर अंत तक। तो मैंने जब ये पढ़ा रही थी टॉपिक, तो मैंने ये पढ़ाया था आपको, यदि ब्लड ग्रुप पढ़ा रही थी आप लोग का, हाँ, रक्त समूह जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको ये पढ़ाया था, यदि एक आरएच धनात्मक व्यक्ति एक आरएच ऋणात्मक औरत से विवाह करता है तो परिणाम, और लाइव क्लास में पढ़ाया था मैंने, तो परिणाम भूर का होगा, मत्र प्रसव। मुझे अच्छी तरह से याद है ये क्वेश्चन। फिर पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है संरचना, ठीक है। और यह क्वेश्चन मैंने जो रंग वाला टॉपिक पढ़ा है उसमें से ही आया है, रंग का नाम दर्शाता है वर्ण, ठीक है। फिर बालक को पहला ढालने वाला है परिवार। फिर बिटोट स्पॉट है विटामिन की कमी, ए विटामिन की कमी, ठीक है। फिर रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है, जब मैंने रक्त का थक्का जमना बताया था उसमें मैंने बताया था कि विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का जमना आवश्यक है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी मेरे नोट से आया है और मैंने पढ़ाया भी है आपको यूट्यूब पे, जब रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमें अनीमिया रोग हो जाता है, ये क्वेश्चन मैंने कराया है। फिर बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होता है तो ताप दीप्ति, ठीक है। और ये क्वेश्चन जब मैंने भोजन विषाक्तता पढ़ाया उसमें साफ साफ पढ़ाया कि साल्मोना भोजन विषाक्तता का एक जैविक भोजन विषाक्तता है, ये मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है साफ, बिल्कुल यही क्वेश्चन है, सत्य, ये कथन सत्य है। और ये क्वेश्चन जब मैंने किडनी पढ़ाया तब मैंने आपको बताया है कि गुदा एक हार्मोन स्रावित करता है जिसे रीनल एरिथ्रोपोएटिक कारक कहते हैं, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है, ठीक है। फिर है प्रकार दो डायबिटीज मेलिटस कहलाती हैं, तो गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेटिलस, ठीक है। भूर में पहले नितंब आना, उसके बाद टांगे और बाहें, अंत में सिर आना, यह स्थिति ब्रिज जम। विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा आधारभूत उपापचय। फिर अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता वे अमीनो अम्ल क्या कहलाते हैं, गैर आवश्यक। मानव दूध के 100 मिलीलीटर में ग्राम प्रोटीन होता है तो 0.8 से लेकर 1.1 होता है, तो आपके ऑप्शन में 1.1 था तो राइट आंसर 1.1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आठवें हफ्ते से जन्म तक के भ्रूण कहलाता है फीटस, ये जब मैंने मानव विकास में गर्भावस्था पढ़ाई है तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है पोषण। फिर नेक्स्ट है, दूध का खमीरी उत्पाद है पनीर। बिस्तर बनाना ऊर्जा वाला कार्य है हल्की। भोजन का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड है स्टार। इंटरलिंक्ड धागों के तानों बानों में अपनाई गई प्रणाली या डिजाइन के अनुसार का नाम रखा गया जाता है, तो इसका आंसर होगा बुनाई। रेबीज को भी कहते हैं जल्ब है। फिर डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो कि कुछ समान कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है, तो किसके, तो गुर्दा के कुछ समान कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है। फिर नाम बताओ को दिया गया है, जब दोहराया जाता है तो स्वचलित हो जाता है, जो आदत होता है ना वो स्वचलित ही होती है ना और दोहराई जाती है, ठीक है। प्रत्येक गुर्दा 1 लाख कलात्मक इकाइयों से बना होता है जो कहलाता है नेफ्रॉन, ये मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है और कराया भी है गुर्दा जब किडनी पढ़ाया था आपको उसमें। फिर चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र है लखनऊ, ये मैंने आपको नोट्स दिए थे और यूट्यूब पे मैंने भी पढ़ाया है इसको।
फिर ढाका मुस्लिम बुने हुए पैटर्न के साथ के नाम से जाने जाते हैं। तो जामदानी गर्भावस्था के प्रथम 3 माह ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। तो गर्भावस्था के प्रथम, ये पूछा गया था गर्भावस्था के, मैंने प्रथम पहले लिख दिया, तो गर्भावस्था के -3 माह ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। तो कौन से 3 माह? तो प्रथम 3 माह, ठीक है। जब मैंने गर्भावस्था पढ़ाया उसमें मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, आरंभिक बाल का देखभाल व विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े व सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रमों में से एक है ICDS। फिर यंत्र एक उपकरणी या संप्रेषण यंत्र है जिनमें संदेश देखा जा सकता है पर सुना नहीं जा सकता, तो दृश्य इसका आंसर होगा। और मैंने सुबह ही बोला था कि श्रव्य सामग्री जरूर देख के जाइएगा, उसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। विस्तारण शिक्षा में प्रतिभागिता है जबकि विद्यालय उपस्थिति है। तो जब मैंने प्रसार शिक्षा का वीडियो डाला है 2 दिन पहले ही, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी प्रसार शिक्षा है वो एक अनौपचारिक शिक्षा होती है, इसमें कोई नियम कानून नहीं होते, जबकि विद्यालय होता है, स्कूल होता है, मैंने यही लाइन बोली थी, उसमें नियम कानून होते हैं, आपको टाइम पर जाना, टाइम पर पेपर होगा, हर चीज़ टाइम पर होती है, ठीक है। और स्कूल जाना बहुत आवश्यक होता है, मतलब रोज ही जाना आपके लिए उपस्थिति अनिवार्य होती है, जबकि इसमें नियम कानून नहीं होते प्रसार शिक्षा में इतने, ठीक है। तो आपकी जो प्रसार शिक्षा मैंने अनौपचारिक शिक्षा बताई थी और जो विद्यालय शिक्षा थी उसे औपचारिक शिक्षा बताई थी, यही लाइन बोली थी। तो विस्तारण शिक्षा में प्रतिभागिता ऐच्छिक होती है जबकि विद्यालय उपस्थिति आवश्यक होती है, ठीक है। विस्तारण शिक्षा को प्रसार शिक्षा भी कहते हैं, ठीक है। आपको वो ना समझ में आया तो इंग्लिश में पढ़ लिया होता तो आपको क्लियर हो जाता, कंफ्यूज मत हुआ करिए, इंग्लिश लैंग्वेज जरूर देख लिया करिए। खाद मिलावट की रोकथाम अधिनियम वर्ष में पारित किया गया 1954 में, दीर्घ अवधि लक्ष्य समझे जाते हैं स्थाई। भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को द्वारा तैयार और विपणन किया जाता है, तो CFTRI के द्वारा। जीवन को अर्थ देता है, तो लक्ष्य जीवन को अर्थ देता है। समस्या को परिभाषित करने या निर्णय निर्माण प्रक्रिया में पहला चरण है। फिर नेक्स्ट है, वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ है प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग, ठीक है। फिर है, कार्य निष्पादन में व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो कौशल को। ऊन अपनी लगभग मजबूती खो देता जब गीला होता है, तो 25% है, पर आपके ऑप्शन में 20 और 30 दिया था, तो देखिए लगभग पूछा गया था, तो देखिए बोलो 20 सही मानते हैं या 30 सही मानते हैं। सर्फ एक है, तो सर्फ एक डिटर्जेंट है। फिर है, फ्लैक्स के पौधे के लिए प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है, तो लिलिन, ठीक है। सॉरी, उष्मा का कुचालक है कॉटन, पटोला साड़ियाँ द्वारा उत्पादित की जाती हैं टाई डाइंग। संप्रेषण का पूर्व कथन रूप है बलबलाना, हाव भाव, भावात्मक अभिव्यक्तियाँ। ये तीनों ऑप्शन जो थे आपके राइट थे, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर राइबोफ्लेविन को पहले कहते थे विटामिन बी टू, ठीक है। प्राकृतिक बहुलक है प्रोटीन। फिर है कि उत्तर जीवियों को मदद करने के लिए 1945 में केयर की स्थापना की गई। जब मैंने आपको केयर टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि दूसरे विश्व युद्ध में, ठीक है, मैंने ये बताया था आपको। धागों का झुंड लंबाई में 840 यार्ड्स के रूप में जाना जाता है, हैक। प्रतिजीव जैवी भी कहलाते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है, लिनिस। पर आरंभिक बालकाल आयु के नाम से भी जाना जाता है, तो गैंग पूर्व को, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।